नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये एडवर्टीजमेंट आया है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आई है, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर की ये वैकेंसी है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, चाहे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंसेस, एजुकेशन, इंग्लिश, जियोग्राफी एंड लाइफ साइंसेस, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड स्टेटिक्स। सो ये वैकेंसी है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में और कितनी वैकेंसी है। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये नोटिफिकेशन है एंड इसमें जो है आपको परमानेंट ये पोस्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो बेसिस है उस पर ये वैकेंसी नहीं है, परमानेंट ये वैकेंसी है। एंड इसमें जो है आपको 7th पे कमीशन के आधार पर आपको सैलरी दी जा रही है, मतलब आपको जो है लेवल 10 असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो लेवल 10 है उसमें आपको 57,700 प्लस सारे जितने भी भत्ते हैं मिला के लगभग आपकी जो स्टार्टिंग है 75,000 रुपये महीना प्रति माह आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। एंड अगर आपके पास मास्टर डिग्री है 55% अंकों के साथ या 50% अंकों के साथ, अगर आप एससी एसटी और ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और साथ ही साथ आपने नेट एग्ज़ाम या सेट एग्ज़ाम या आपने पीएचडी डिग्री अगर आपने कर रखी है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। मैं आपको बता देता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में किसी भी प्रकार का कोई वर्क जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो नहीं चाहिए होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नॉर्मली जो है एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कैसे आपको आवेदन करना है, अंतिम तिथि क्या है, कितनी आवेदन फीस है और पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो रिटन किसी भी प्रकार का कोई लिखित परीक्षा नहीं होती, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा छटनी करके और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन सब्सक्राइब को दबा दे, साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दे। तो चलिए, ये जो वैकेंसी है ये है मणिपुर यूनिवर्सिटी की, और मणिपुर जो यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये मणिपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इसमें जो है आपको जो पे स्केल है 7th पे कमीशन आपको ऑफर किया जाएगा। यहाँ पर जो है जो आपको आवेदन करना है वो जो है आपको ऑफलाइन आवेदन करना है और ऑफलाइन आवेदन आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है यहाँ पर आपको दे रखा है, एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अलग है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग है। जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर जो है आपकी एक पीडीएफ जो है आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और ये जो है आपके पास ये फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। सो यहां पर ये फॉर्म आपको जो है फिलअप करना है, फिलअप करके जो है जितने भी आपके सारे डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको इसके साथ अटैच करने हैं एंड अटैच करने के बाद आपको जो है फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट मैं आपको बता देता हूँ, जो फीस पेमेंट है आपको अगर आप अनरिजर्व यानी कि सामान्य कैटेगरी, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है तो आपको 1,000 रुपये आवेदन फीस लगेगी। अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी कि दिव्यांगजन है तो आपको 400 रुपये फीस देनी है। कैसे आपको जो है फीस जमा करनी है तो आपको एचडीएफसी बैंक में जो है ये फीस जो है ट्रांसफर करनी है। यहाँ पर आप जो है अकाउंट नंबर मणिपुर यूनिवर्सिटी का और आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं इस पर जो है आपको ट्रांसफर करनी है और जो ट्रांसफर जो स्लिप प्रूफ निकलेगा आपका उस पर्ची का प्रिंट आउट लेके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाकर जो है आपको भेजना है। यहाँ पर एड्रेस आप देख रहे हैं, द रजिस्ट्रार मणिपुर यूनिवर्सिटी कांचीपुर ओके इम्फाल, यहाँ पर जो है आपको भेजना है 795003 इसका पिन कोड है एंड ये जो है आपका 29 अगस्त 2020 से पहले पहले जो है आपका ये आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन जो है इस एड्रेस पर आपको भेज देनी मतलब जो है पहुंच जानी चाहिए। सो ये प्रोसेस है कि आपको जो है किस प्रकार से जो है आवेदन करना है एंड सैलरी जो है मैंने आपको बता ही दिया, आपको 75,000 रुपये पर मंथ जो है आपकी स्टार्टिंग रहेगी। अगर हम प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो इनके लिए पीएचडी कंपलसरी होती है
एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए, और साथ ही साथ 8 साल से लेकर 10 साल का एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ जो है आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। एंड चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।